मित्रों बताओ फिर क्या हाल चाल आप सभी के। यार यार आप हमेशा हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस छात्र की तरफ मुन्नी पढ़ रही थी लेकिन इसको सबर नहीं है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा, अलग ही शपरीगिरी कर रहा है। अभी अगर उसको गुस्सा आ गया ना यहाँ पर एक अलफेड़ा मारेगी, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। देखो देखो हरकतें देखो इसकी। खैर दोस्तों ऐसा कुछ आप ट्राई मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है और टीचर भी बहुत जालिम हो जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर देखो इस मुन्नी की तरफ इसने तो अलग ही वहम पाल रखे हैं, यानी कि इसको पूरा यकीन है कि ये बहुत ही सुंदर है। देखो देखो क्या क्या कह रही है, पागल हो चुकी है ये। गाइस आप लोग ने पूछा था कि कैटरीना कैफ आपकी कौन लगती है, तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि वो मेरी कजिन सिस्टर है। उसके बावजूद आप लोग बोल रहे हो कि आप इससे भी ज्यादा सुंदर हो, तो गाइस क्या करूं मैं इतनी सुंदर। अरे मुन्नी करना वरना कुछ नहीं है, चुप करके जा पहले शीशा देख, यानी कि पहले अपने आप को शीशे में देख फिर बोल। लेकिन नहीं दोस्तों ये तो कैटरीना कैफ से भी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर देखो यार छात्रों की तरफ, यानी कि कोचिंग सेंटर में तो अलग ही चलता रहता है, यहाँ पढ़ाई का तो यार कुछ पता नहीं है, लेकिन डांस देखो देखो कैसे हो रहे। और इस मुन्नी की तरफ ध्यान से देखो, घर वालों ने भेजा होगा कि मेरी मुन्नी पढ़ लिख कर वापस आएगी, यानी कि पढ़ाई कर रही होगी मेरी मुन्नी। उनको क्या पता कि यहाँ पर अजीब अजीब डांस चल रहे हैं। देखो देखो कैसे लगे हुए हैं सभी के सभी। आप मित्रों मुझे ये बताओ कि आखिर इस कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी जमीन जायदाद बेच सकते हो या फिर कौन सी हद पार कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर देखो छोटी सी मुन्नी की तरफ, ये मुन्नी बहुत तेज है और बहुत समझदार भी है, यानी कि पापा जी के तोते उड़ा रही है। पापा जी तो हो गए बिल्कुल हैरान। देखो देखो क्या क्या कह रही है। आपने बोला था ना जब मैं पास हो जाऊंगी तो आप मुझे साइकिल दिलवाओगे। हाँ तो आपके पैसे बच गए पापा। ले मेरी मुन्नी रानी, यानी कि मुन्नी पापा जी के बारे में बहुत सोचती है कि कहीं मेरे पापा जी के पैसे खराब ना हो जाएं, यानी कि पापा जी के पैसे बचाने के लिए मुन्नी फेल हो गई। सच में दोस्तों ये मुन्नी बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी मुन्नी है। इसको पता है कि पापा जी का नुकसान नहीं करने का, चाहे खुद ही फेल होना पड़ जाए। इसे बोलते हैं बच्ची का बलिदान। तो चलो यारो अब यहाँ पर देखो इस मुन्नी की तरफ, ये मुन्ना व्लॉगिंग कर रहा था। आपको पता होगा कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, वैसे ये भी कर रहा था, तभी क्या हो गया देखो आप। माय न्यू व्लॉग प्लीज टू चैनल माय शक्करपारा कर दो दोस्तों, कर दो इसके चैनल को जरा शक्कर पारा। अबे मुन्ना सब्सक्राइब बटन भी यही बोलता होगा कि अबे मुन्ना में शक्कर पारा कब से बन गया, यानी कि शक्कर पारा। बाकी दोस्तों आप मेरे चैनल को शक्कर पारा कर सकते हो। और यहाँ पर देखो इस मुन्ने की तरफ, यानी कि स्कूल में कर रहे थे परफॉर्मेंस है और डांस देखो कर रहे हैं, पीछे मुन्नियों की तरफ देखो, मुन्निया तो कुछ ज्यादा ही खुश है। लेकिन ये डांस कैसा चल रहा है रे मुन्ना। और मुन्निया यही बोल रही होगी, मुन्ने का बहुत बढ़िया है डांस, इसके बिना जीने का नहीं है कोई भी चांस। यानी कि मुन्निया बिल्कुल हैरान परेशान है कि कोई इतना बढ़िया डांस कैसे कर सकता है। लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस क्या कहें, इसके लिए यार बहुत ही तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा डांस करने के लिए, वो भी सबके सामने। तो चलो फिर मेरे दोस्तों, सिंगल लोग अपना दिल थाम कर बैठ जाओ। यहाँ पर देखो आजकल तो यही सब ट्रेंड चला हुआ है, यानी कि छोटे छोटे मुन्ना मुन्निया शादी कर रहे हैं। और मुन्नी के चेहरे पर स्मेल देखो जरा, ले ले मुन्नी कौन सी मजबूरी थी ये तुम्हें इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी। असल में दोस्तों मुन्ना मुन्नी की मजबूरी होगी, यानी कि इन्होंने सोचा होगा कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लेट हो जाएगी, इसलिए हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं ताकि हमारे मुन्नों की पढ़ाई बिल्कुल लेट ना हो जाए, हमारे मुन्ने जल्दी जल्दी से पढ़ पाए। लेकिन मुन्ना मुन्नी तुम्हारे पढ़ने का क्या, हाँ दसवीं करने की उम्र में ये क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन दोस्तों आजकल तो सब चलता है, आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठिक कर दो, आपको हंसाने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।